आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चीज चिली पराठा की रेसिपी। तो सबसे पहले हम पराठों के लिए आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप के करीब गेहूँ का आटा। तो यहाँ पर मैंने ये दूसरा कप ले लिया। इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम आटा लगा लेंगे। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा भी नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं लगाना। आटा मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। थोड़ा सा इसमें तेल डाल देंगे आधा चम्मच के आसपास, और आटे को एक बार अच्छे से गूंद कर तैयार कर लेंगे। आटे को 5 से 6 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, तब तक हम बाकी की तैयारियाँ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा बोल, और इसके साथ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक छोटी शिमला मिर्च। साथ में यहाँ पर डाल रही हूँ 3 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई, और साथ में यहाँ पर मैं ले रही हूँ हरी मिर्च बारीक कटी हुई। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं थोड़े से स्वीट कॉर्न और थोड़े से मटर ले रही हूँ। तो दोनों मिला के आधा कप से थोड़ा ज़्यादा है, और ये कच्चे ही हैं, बॉयल नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने इतनी चीज़ें डाल दी है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चीज़ ग्रेट करके। तो मैंने इसके लिए प्रोसेस चीज़ लिया है, और यहाँ पर मैंने ये प्रोसेस चीज़ लिया। आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और इसे मैंने 3 क्यूब लिए मैंने ऐसे, और इसको ग्रेट करके हम डालेंगे इसमें। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसे ग्रेट करके डाल देती हूँ। तो मोटा मोटा ही ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चीज़ को ग्रेट करके डाल दिया है। इसके साथ ही इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। तो बहुत ही हल्का सा नमक डालेंगे क्योंकि चीज़ में भी नमक है। तो यहाँ पर ये नमक ले लेते हैं, और नमक के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। साथ में डाल देंगे चिली फ्लेक्स, तो ये अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। ये लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर पूरे मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिला लिया है, और अब बना लेते हैं पराठे। तो इसे हम रखते हैं साइड में। आटा भी हमारा रखे हुए 5 से 6 मिनट हो गया है, तो एक बार इसे हम दोबारा से गूंद लेंगे। यहाँ पर जो पराठे हैं थोड़े मोटे मोटे ही बनाने हैं। तो यहाँ पर लोई मैंने रोटी से थोड़ी सी बड़ी रखी है, इसे बेल लेते हैं। यहाँ पर मैंने सूखा आटा लगा लिया है, इसके बाद इसे बेल के तैयार कर लेते हैं। और इसके बाद इसे हम फोल्ड करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, पूरी रोटी पे इस तरीके से फैला देंगे। इस पे भी थोड़ा सा लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा पराठा तैयार हो गया है। इसे एक बार फिर से बेल लेते हैं। आप चाहे तो इसे रोटी से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे पराठे का शेप दे रही हूँ। तो इसी तरीके से सारे पराठे में बेल के तैयार कर लेती हूँ। अब चलते हैं इन्हें सेकने की प्रोसेस में। और गैस पर मैंने तवा रख दिया है, तो पराठे को अच्छे से सेक लेते हैं। तो यहाँ पर इसे तेल लगा कर सेक लेते हैं। तो सारे पराठे इसी तरीके से सेक के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक पराठा तैयार है, और यहाँ पर हमारे पराठे भी तैयार हैं और स्टफिंग भी तैयार है। और पराठे यहाँ पर मैंने ये टोटल 6 बनाए हैं। तो थोड़े मोटे मोटे पराठे यहाँ पर ये बनाए हैं मैंने। इन्हें रखते हैं साइड में, और एक बनाते हैं सॉस। तो यहाँ पर मैंने ये टमाटो केचप लिया है। इसके साथ इसमें डाल रही हूँ 2 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई, ये इसमें डाल देंगे। और इसके साथ इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, और अच्छे से मिला देंगे इसे। अगर आपके पास सेजवान सॉस है तो वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये टमाटो सॉस यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर लेते हैं एक पराठा। तो आप चाहें तो इसे बची हुई रोटियों से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये फ्रेश पराठे बनाए हैं। इसके साथ ही आधा चम्मच हम ये वाला सॉस ले लेंगे, पूरे पराठे पे अच्छे से लगा देंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी सॉस, चटनी, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये केचप यूज़ किया है। इसके बाद हमने ये जो स्टफिंग बनाई है, ये इसके ऊपर हम हाफ में रखेंगे, हाफ पराठे पे। तो 3 चम्मच मैं यहाँ पर मैंने रखा है, और इसे इक्वली फैला देंगे आधे पराठे पे इस तरीके से। और इसके बाद अच्छे से इसे फोल्ड कर देंगे बराबर से। तो इस तरीके से सभी पराठों को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए ऐसे, तो मैं सभी को ऐसे तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये दूसरा पराठा भी मैं तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने सभी पराठों में स्टफिंग लगा दी है।
तो अब इसे सेक लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसे सेकने से जिसमें चीज़ हमने डाली है वो मेल्ट हो जाएगी, तो ये खाने में और भी टेस्टी लगेगा। आप चाहें तो इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे पराठे मैंने स्टफ़ कर लिए हैं, देखिए इस तरीके से लगा लिए हैं, और अब इन्हें थोड़ा सा सेक लेते हैं ताकि इसमें जो हमने चीज़ डाली है वो मेल्ट हो जाए, तो ये खाने में और भी यमी लगेगा। सेकने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, और इस पैन में हल्का सा बटर लगा लेंगे। चाहे तो आप तेल में भी सेक सकते हैं, लेकिन ये बटर में बहुत ही टेस्टी लगेगा अगर सिकेगा तो। यहाँ पर जब आप पराठे बनाएं तो तेल का थोड़ा कम यूज़ करें, क्योंकि हमें बाद में भी इसे बटर में सेकना होता है, तो इस टाइम पे बटर में से अच्छे से सेक सकते हैं। गैस की फ्लेम को लो रखते हुए हमने जो ये पराठे तैयार किए हैं स्टफ करके इस तरीके से सेक लेंगे। तो यहाँ पर दो दो करके मैं सेक लेती हूँ। तो अच्छे से जब क्रिस्पी सिक जाएंगे तो इन्हें हम पलट के सेक लेंगे इस तरीके से। ये देखिए ऊपर की जो लेयर है बिल्कुल क्रिस्पी सी हो गई है, इसे भी पलट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये पराठे दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सेक लिए हैं, और इसके अंदर जो चीज़ है वो मेल्ट हो चुकी है, तो बाकी सारे पराठे भी इसी तरीके से सेक लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी पराठों को बहुत अच्छे से सेक लिया है, और ऊपर की लेयर बिल्कुल क्रिस्पी सी हो गई है। तो इस तरीके से आप ये पराठा ज़रूर बनाएं, सभी को बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, तो ज़रूर ट्राई करें, और अच्छा लगने पर फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे साथ कमेंट करके शेयर करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।